फ्रेंड रियल में क्या ये कैपेसिटर लगाने से इसका माइलेज बढ़ सकता है क्या? झूठा है। चले इस वाला वीडियो कंप्लीट डिटेल के साथ में देखना वाला वीडियो एंड तक बने रहिए। उससे पहले अगर माइलेज भी बढ़ रहा है तो एक की क्या 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 चीज़ आप लोग को ध्यान देना बहुत जरूरी। चले सबसे पहले आप लोग को देखा था एक एक स्टेप बाय स्टेप चेक करके चले वीडियो स्टार्ट करके लेता मैंने। आप लोग जो थंबल में देखा ना ये सही से आप लोग देखा माइलेज का मेन रीज़न प्रॉब्लम है इसका। तो माइलेज इसका सही से नहीं दे पा रहा है फ्रेंड। अगर माइलेज नहीं दे रहा है आप लोग सबसे पहले ट्राई करने का ये जो कार्बोरेटर असेंबली है ना इसके अंदर देख पा रहा है एयर स्क्रू लगाए है फ्रेंड। तो यार इसको सबसे पहले आप लोग एक बार ट्यूनिंग करके देख लेंगा सही से एक क्लियर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसके साथ ही साथ आप लोग को यार इस जगह पे आपको एयर फिल्टर दिखाई देता है। हर एक बाइक का अलग अलग टाइप पे इसका एयर फिल्टर लगा रहता और एयर स्क्रू भी अलग अलग जगह पे लगा रहता। तो आप लोग इसी पावर से आप लोग को ट्राई करके देखने का सही से जिस बाइक में माइलेज नहीं दे रहा है उसी बाइक के लिए एयर ट्रिक यूज़ कर सकता है। चले सबसे पहले क्या करने का अगर आपका पास इस तरीके से प्रॉब्लम आया तो बाइक में माइलेज नहीं दे रहा है ये 15 से 20 किलोमीटर तक दे रहा है उससे ज़्यादा बोलेगा तो अगर बाई चांस 30 किलोमीटर दे रहा है। अगर आप लोग डबल करना चाहते हो ना फ्रेंड इसलिए आप लोग को ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। चले सबसे पहले आप लोग को देखा था मैंने इसका जो माइलेज बढ़ाने के लिए मैं क्या किया कैसे इसको यूज़ करने वाला। चले देख पा रहा फ्रेंड मैंने हाथ मेरा हाथ में जो है ना ये फैन का कैपेसिटर है देख पा रहे ये फैन का मैं ये जो पुराना वाला फैन है ना ये फैन का ही मैंने इसका कैपेसिटर निकाला मैंने। चले सबसे पहले इसको कनेक्शन किस तरीके से करना चाहिए सबसे पहले इसका सीट ओपन करके लेता है मैंने देख पा रहे सीट ओपन करके लिया मैंने इसका इस जगह पे इसको रखेगा क्योंकि मैं एक जगह पे कहाँ पे भी इसको सेट करना चाहिए क्योंकि फ्रेंड देख पा रहे इस जगह पे देख पा रहे टी से यूनिट कॉयल है इस जगह पर रिले है फ्लासर है सब जगह ये लगा है इसलिए मैंने सोचा इसका रखने जगह रखने का जगह यही मेरा हिसाब से सही रहेगा। आप लोग लगाने का पहले ये एक बार जोर से जोर चेक करके लेने का फ्रेंड इस जगह पर है ना लीक होना नहीं चाहिए नहीं तो कहाँ से भी अगर बोलो जाएंगे तो करंट आएगा ना बहुत ज़्यादा इसका हाई पावर का करंट आएगा इसलिए ना फ्रेंड आप लोग देखने का कहाँ से भी लीक होना नहीं चाहिए इसलिए फ्रेंड कहाँ से भी एक जगह पर फिक्स करके लेने का। चलिए चलिए फिर इसका अंदर में इस तरीके से रखने से पहले चलिए मैं दो वायर लेता सबसे पहले दो वायर का टुकड़ा लेने का बाद कनेक्शन करके आप लोग को दिखाना वाला किस तरीके से आप लोग कनेक्शन करने का। चलिए देखते रहे आप लोग देख पा रहे हैं इसी प्रकार से दो वायर का टुकड़ा लिया मैंने। चलिए इसका दो मैं सबसे पहले कनेक्शन करके लेता दोनों को एक एक करके करके लेता मैंने सबसे पहले देख पर फैन ये दोनों वायर को अच्छे से मैं कैपेसिटर के साथ में कनेक्शन कर लिया। इसके बाद ही चलिए इस यहाँ से होते हुए डायर कहाँ पे लेना चाहिए इस जगह पे देख पर फैन इस पार प्लग का देख पर कैप है इसी जगह पे लेकर आना चाहिए। चलिए मैंने अच्छे से यहाँ तक मैं सबसे पहले लेकर आता मैंने इसके साथ ही साथ आप लोग को अच्छे से देखना ये सही से अभी माइलेज दे रहा है नहीं दे रहा है आप लोग को देखना तो बहुत ही ज़रूरी रहता है फ्रेंड वीडियो एंड तक बने रहे। चलिए सबसे पहले आप लोग को मैं अभी दोनों वायर अंदर से लेने के बाद यहाँ तक मैं लेके आता उसके बाद कनेक्शन करने का बाद ही आप लोग बाइक स्टार्ट करने का बाद में भी आप लोग को देखा था ये अभी माइलेज सही से देना है कि नहीं दे रहा है फ्रेंड देख पा रहे मैं सही से मैंने इसका टेपिंग बार करके लिया यहाँ से होते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ तक दोनों वायर को मैं लेके आ चुका। अभी चलिए इस पार प्लग को कैप ओपन करके लेता मैंने चलिए मैं वीडियो एक शूट कर रहा है फिर भी आप लोग को देखा मैंने इसका पहले कोई ओपन किया था इसलिए फटक से ओपन हो चुका फ्रेंड। चले इसको भी ओपन करके लेता मैंने और ये दोनों वायर है ना कहाँ से भी लगा सकता इसमें भी लगा सकता इस लेकिन मेन जो कनेक्शन करना चाहिए फ्रेंड एक जो वायर एक देख पा रहे हैं एक लगाने का इसमें प्लग के साथ और दूसरा लगाने का इस वाला केबल के साथ इसी प्रकार से कनेक्शन करने का। चले मैंने इसका अच्छे से कनेक्शन करके लेता मैंने चले आप लोग को डिटेल का साथ में दिखा था मैंने ये वायर कहाँ से भी लगा सकता है उल्टा सीधा कुछ नहीं है फ्रेंड ये है यह कहाँ से भी लगा सकता। चले सबसे पहले इसका कनेक्शन अच्छे से करके लेता उसके बाद आप लोग को ये बाइक स्टार्ट करने का बाद में भी अभी सही से माइलेज अगर दे रहा है कि नहीं दे रहा है आप लोग को मैं डिटेल का साथ में दिखाने वाला। चले सबसे पहले कनेक्शन ही मैं करके लेता देख पा रहा फ्रेंड मैंने इसका अच्छे से कनेक्शन कर लिया इस केबल के साथ अरे देख पा रहे एक जो वायर है ना फ्रेंड प्लग के साथ कनेक्शन कर लिया। चलिए बाइक अभी डायरेक्ट में स्टार्ट करके आप लोग को देखा था मैंने देख पा रहे फाइनली इग्निशन ऑन करके लिया अभी डायरेक्ट स्टार्ट भी हो चुका दे
एक बार फैन फाइनल में लिया, मैंने इसका तो कनेक्शन तो अच्छे से कर लिया, अभी इसको माइलेज सही से नहीं दे रहा है क्या दे रहा है ये चेक करना बहुत ज़रूरत है फ्रेंड। चले चले फ्रेंड, सबसे पहले मैं पेट्रोल पंप में जाने गया, सबसे पहले 50 रुपये का पेट्रोल सबसे पहले मैं ढाल कर लेता मैंने। फ्रेंड आप लोग को तो मैं इसका पेट्रोल अभी 50 रुपये का ढलवाया आप लोग को दिखाया। चलिए अभी कितना किलोमीटर, सबसे पहले आप लोग को देखा था मैंने इग्निशन ऑन करके लिया, कितना किलोमीटर रन कर रहा है वो आप लोग को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। देख पा रहे हैं अभी 16,292, तो अभी इतना किलोमीटर आप लोग को दिखाया, अभी 50 रुपये का पेट्रोल कितना तक जाता है। चलिए ये फाइनली मैंने आप लोग को प्रॉपर तरीके प्रूफ दिखाने के लिए अभी रन करके आप लोग को देखा था। देखिए फ्रेंड अभी इसका पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। चलिए फाइनल आप लोग को मैं देखा था स्टार्ट अभी होता कि नहीं होता, आप लोग को प्रॉपर तरीके प्रूफ दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। देख पर फ्रेंड अभी बंद हो चुका भाई, देखो देख पा रहे फ्रेंड ये फाइनली अभी बाइक तो इसका जो पूरा पेट्रोल है ना ख़त्म हो चुका, तो अभी कितना किलोमीटर रन हुआ आप लोग देख सकता, पहले कितना था 16,292 किलोमीटर था, अभी कितना दिखा रहा है अभी 16,307, तो कितना किलोमीटर फर्क पड़ रहा है अभी इसका अंदर चला कितना किलोमीटर 15 किलोमीटर, मतलब 50 रुपये का मैंने पेट्रोल ढलवाया अभी कितना किलोमीटर रन हुआ 15 किलोमीटर, और पहले है ना जो कैपेसिटर लगाने का पहले कितना किलोमीटर दे रहा था ये 10 किलोमीटर दे रहा था, लेकिन फ़र्क कितना पड़ रहा है ज़्यादा नहीं, ये 5 किलोमीटर डिफरेंस, मतलब 5 बोलेगा तो मेरा हिसाब से 1 लीटर पेट्रोल ढालने से इसका 30 किलोमीटर जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जा पा रहा है फ्रेंड, तो ज़्यादा बोलेगा तो 1 लीटर पेट्रोल ढालने से इसका 10 किलोमीटर ही फर्क पड़ रहा है, अगर बोलेगा इसका 60 दे रहा है 100 तो दे रहा है 80 दे रहा है ये पूरा गलत है, तो सास में यही रियल है इसका ज़्यादा नहीं दे रहा है 10-15 किलोमीटर ही ज़्यादा दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। चलिए आप लोग को मैं डिटेल का साथ में देखा दिया, चलिए मेरा वीडियो देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला ना जोर से लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं ना सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।